स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग? आज आपको पता है 11th में फ्लूइड चैप्टर चल रहा है और उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज मैं फ्लूइड में एक कुछ दो पिछले वीडियोस में मैंने आपको रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ाया, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाया। मैंने बार बार कहता हूँ एक बात कि कभी भी आप वीडियो देखने आओ ना तो पीछे की वीडियोज देखते हुए आओ, उससे ज़्यादा समझ में। तो अब आज की क्लास में मैं सबसे पहले एक जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, पहले एक छोटा सा एग्जांपल कराऊंगा, आपको पता है जो ब्लड है कहां फ्लो करता है? आर्टरी में। ब्लड इज फ्लोइंग वेयर? इन एन आर्टरी। इसका रेडियस गिवन है बेटा 2 × 10⁻³ मीटर। क्या गिवन है? कि ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरी में, नसों में, वेन्स में, और उस वेन का आर्टरी का रेडियस गिवन है 2 × 10⁻³ मीटर, याद रखिए। और ब्लड की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको पता है हर की होती है, तो ब्लड की भी गिवन है बेटा 2.084 × 10⁻³ पास्कल सेकंड। यस, ये क्या गिवन है? तो जिस वेन में ब्लड जा रहा है उसकी रेडियस और ब्लड का क्या गिवन है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ब्लड की डेंसिटी गिवन है बच्चे 1.06 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब। ये ब्लड की डेंसिटी गिवन है, याद रखना, ये ब्लड की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ द ब्लड। यस, आपसे बोला है कि आप बताइए व्हाट विल बी द फाइन फ्लो रेट। फाइन फ्लो रेट किसका? ऑफ किसका फ्लो रेट पूछा है? ब्लड का। इफ फ्लो मस्ट बी लैमिनर, अगर फ्लो मस्ट बी लैमिनर, बोलोगे सर ये क्या मस्ट बी लैमिनर, मतलब लैमिनर ही है, प्योर लैमिनर है, प्योर स्ट्रीम लाइन है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या इसमें सॉल्यूशन में बेटा? सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, डायमीटर निकाल दो डबल ऑफ रेडियस। रेडियस कितना है? रेडियस कितना गिवन है? देखो आर्टरी का 2 × 10⁻³, इसका डबल हो गया 4 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया डायमीटर। अब जब बोल रहा है कि फ्लो मस्ट बी लैमिनर, कि फ्लो एकदम लैमिनर ही है, तो आपको पता है ना एक बात, क्या पता है कि जब लैमिनर फ्लो होता है तो लैमिनर फ्लो में आप जानते हो कि लैमिनर हो या स्ट्रीम लाइन हो, तो एक नंबर जो हमने पढ़ाया था आपको पिछली वीडियो में, देखना आप रेनॉल्ड्स नंबर, मैंने क्या बताया था कि जब फ्लो लैमिनर होता है तो रेनॉल्ड्स नंबर प्योर 1000 या 1000 से कम होता है, लेकिन जब मस्ट बी लैमिनर है तो 1000 ही मानेंगे। मस्ट बी लैम एकदम लैमिनर ही, इधर ना उधर, प्योर स्ट्रीम लाइन, प्योर लैमिनर, तो 1000 दिया जाता है रेनॉल्ड्स नंबर। फिर रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, फॉर्मूला होता है रो वी डी बाई ईटा। अब आपके पास रो भी है, विस्कोसिटी भी है, देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लो शायद नहीं है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो गिवन नहीं है, मेरे को लगता है नहीं गिवन है, डायमीटर पता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, तो बोलोगे सर कैसे रखें, तो रख दोगे 1000, यहां से सॉल्व करके मुझे जहां तक लगता है वेलोसिटी निकल जाएगी। बोलो कैसे निकल गई? ये वेलोसिटी निकल गई, कैसे? रेनॉल्ड्स नंबर 1000, डेंसिटी ऑफ ब्लड 1.06 × 10⁻³, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डायमीटर ऑफ द वेन, डायमीटर ऑफ द आर्टरी 4 × 10⁻³, है कि नहीं? और विस्कोसिटी दे रखा है कितना, 1.06 × 10⁻³। ओके, अब बोलोगे सर यहां से सब कुछ पता है, आप वेलोसिटी निकाल दो, बस वैल्यू रखकर वेलोसिटी निकाल देंगे। हमसे वेलोसिटी नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फ्लो रेट। तो आपको याद है हमने स्टार्टिंग वाली ही वीडियो में आपको पढ़ाया था बेटा, जो रेट ऑफ फ्लो होता है लिक्विड का, फ्लूइड का, इसके कई फॉर्मूले थे। फॉर्मूला मेन क्या होता है? रेट ऑफ वॉल्यूम अपॉन टाइम, और एक फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, दोनों में से जो सूट करे ले लो। एक और फॉर्मूला हमने बताया था, उसकी जरूरत नहीं यहाँ पर।
तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी ले लेते हैं, वॉल्यूम अपॉन टाइम से ही बना है, वॉल्यूम अपॉन टाइम से ही एरिया इंटू वेलोसिटी बनता है, देखना वीडियोस में। तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया नहीं पता तो एरिया को लिख दोगे पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, हो गया। वेलोसिटी आप ऊपर से निकाल ही चुके हो फ्लोर का, और एरिया को पाई आर स्क्वायर में खोल दोगे, रेडियस चूंकि आपको पता ही है, आपको फ्लो रेट आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, फ्लो के बारे में बोला था मस्ट बी लैमिनर, लैमिनर ही है, प्योर लैमिनर। तो रेनॉल्ड्स नंबर 1000, अब रेनॉल्ड्स नंबर का अपना फॉर्मूला होता है रो वी डी बाई ईटा, सब कुछ पता है, यहां से वेलोसिटी आ गई फ्लो की। हमसे वेलोसिटी नहीं पूछा, हमसे फ्लो रेट पूछा, फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, बस एरिया को क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी को वी लिख देंगे। ये हमने न्यूमेरिकल करा दिया, जो हमने पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में, याद है क्या टॉपिक पढ़ाया था, रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो रेट, उस पे कर। अब यहां पर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इस टॉपिक पे जो हमने आपको पढ़ा रखा है, लास्ट वीडियो इसी की अपडेट की थी मैंने, आप देखना पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था, टॉपिक का नाम था टर्मिनल वेलोसिटी। इसी पे मैंने एक टॉपिक जो कराया था, इसी पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी पे एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ध्यान से देख टर्मिनल वेलोसिटी। यहां पे क्या एग्जांपल है, कहा ये गया, जो लैंग्वेज आया है एग्जाम में ऐसे आएगा, एक क्वेश्चन है इन मिलीकंस पाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, जिसे हम कहते हैं मिलीकंस पाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, याद रखें ड्रॉप किसका ड्रॉप, एयर ड्रॉप, अ ड्रॉप ऑफ एयर, कोई ड्रॉप है, कोई ड्रॉप है या कोई स्फीयर है, एयर तो नहीं बोल सकते, एक ड्रॉप है, उसके बारे में क्या है ऑफ रेडियस, उस ड्रॉप का क्या गिवन है, ड्रॉप भी क्या होता है स्फेरिकली तो होता है बेटा, ऑफ रेडियस 2×10⁻¹ मीटर फॉलिंग इन एयर। मिलीकंस पाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक ड्रॉप है जो हवा में यूं फॉल कर, और विस्कोसिटी ऑफ एयर, क्योंकि आपको पता है विस्कस तो सब होते हैं, फ्लूइड होता है, एयर होता है, सब होता है बेटा, जानते हो ना, इसकी एयर की विस्कोसिटी गिवन है 1.8×10⁻¹ पास्कल सेकंड, इसकी विस्कोसिटी बताओ उस एयर की जिसमें वो गिर रहा है, कौन वो ड्रॉप, और डेंसिटी ड्रॉप का दिया हुआ है, ड्रॉप भी तो किसी का होगा, लिक्विड का होगा, किसी चीज का होगा, इसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है बेटा 1.2×10³ केजी पर मीटर क्यूब। पूछा क्या है आपसे, पूछा ये है कि फाइंड विस्कस फोर्स ऑन ड्रॉप, क्या पूछा है, विस्कस फोर्स बताओ किसके ऊपर, ड्रॉप के ऊपर, अब ये बताओ कि विस्कस फोर्स क्या होगा ड्रॉप का, ड्रॉप पे, यस ये चीज। तो आप सबसे पहले बताओ मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी चीज बेटा आपको याद है या नहीं याद है, मैंने पढ़ाया था, आप याद रखा करो कि साइंस में कोई भी स्फेरिकल चीज, कोई भी स्फेरिकल चीज जब वो फ्लूइड में गिरती है, कोई भी स्फेरिकल चीज जब वो फ्लूइड में आती है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी है और एयर भी है, कोई भी स्फेरिकल, तो ड्रॉप भी तो तुम्हारा स्फेरिकल ही है, ड्रॉप भी तो स्फेरिकल ही है, रेडियस दिया हुआ है ही है, विस्कोसिटी एयर का दिया हुआ है, ड्रॉप की डेंसिटी गिवन है, तो कोई भी स्फेरिकल चीज चाहे वो ड्रॉप हो बॉडी हो, जब वो हाँ नीचे गिरती है फ्लूइड में, लिक्विड में, फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस दोनों में, तो उसकी वेलोसिटी ये होती है, इसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, फिक्स फॉर्मूला है 2/9 r² g, और जो भी है ड्रॉप है तो ड्रॉप, जो भी स्फेरिकल बॉडी है उसका, अब माने जिस मीडियम में गिर रहा है उसका, यहाँ पे मीडियम कौन है, किस मीडियम में गिर रहा है बेटा, नीचे ईटा, किस मीडियम में वो गिर रहा है ड्रॉप, किस मीडियम में वो नीचे को आ रहा है, सोचो ना, एयर मीडियम में आ रहा है तो आप डेंसिटी एयर का लोगे, अगर बोलता लिक्विड मीडियम में आ रहा है तो लिक्विड की आप लेते, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, एयर की डेंसिटी नहीं गिवन है, एयर की डेंसिटी 1 के आसपास होती है, कहीं 1.2 होती है, राउंड ऑफ करके हम 1 ही ले लेते हैं,
एयर की डेंसिटी ना दे तो आप वन ले लिया करो, कई जगह 1.2 होती है बट वन ले लिया करो। जैसे वाटर की डेंसिटी याद होती है 1000, उसी तरह इसकी वन याद रखना। बस ये किसकी डेंसिटी है आपको पता है, उस ड्रॉप की, उस स्फीयर की, जो कि शायद गिवन है बेटा 1.2 × 10^3 हो गया। सब कुछ तो पता ही है, रेडियस पता ही है, 2 × 10^-5 की जगह पे 10 रखोगे, सबके जगह पे वैल्यू रखो, रेडियस पता है, विस्कोसिटी पता है, सॉल्व करके यहां से भी आ जाएगा, विस्कोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। आपसे वेलोसिटी तो पूछा नहीं है, आपसे तो पूछा है विस्कस फोर्स क्या लगेगा। तो मैंने पढ़ाया था कोई भी स्फेरिकल बॉडी जब फ्लूइड में फॉल करती है, लिक्विड या गैस में, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था 6 πe(r)×v। 6 πe जानते हो ना विस्कोसिटी, r जानते हो ना रेडियस, v जानते हो ना वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्या निकाल देंगे हम, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद क्या निकाल देंगे, विस्कस। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ लिक्विड हो, एयर में भी हो सकता है ये सब कॉन्सेप्ट। कोई भी स्फेरिकल बॉडी, ड्रॉप तो स्फेरिकल है, एयर में भी गिर सकता है, तो एयर ले लेंगे, लिक्विड होता तो लिक्विड ले लेते। लास्ट वाले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें टर्मिनल वेलोसिटी में लिक्विड लिया था। यहां पे आपने देखा, ये मैंने आज दो क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई है, बस छोटी सी वीडियो। इसमें एक, हालांकि ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, उसमें भी क्वेश्चंस हैं, बट वो वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने दो क्वेश्चंस मैंने सोचा लास्ट में करा दूंगा, जब टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर सब खत्म हो जाएगा, तब जस्ट फॉर एक रिवीजन एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। इसमें एक में मैंने रेनॉल्ड्स नंबर पे सवाल करा दिया, एक पे मैंने टर्मिनल वेलोसिटी पे करा दिया। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ बेटा। जब तक आप इस वीडियो को देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और आगे भी शेयर जरूर करना। पेपर आ रहे हैं, तैयारी कर लें, सब लोग पढ़ाई कर लेंगे, है ना, सबका भला होगा। आप तो अच्छे हुई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।